आज गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर नसों जोड़ों एवं एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर के दुबे BAMS कटनी द्वारा 116 मरीजों के गंभीर एवं पुराने जोड़ दर्द, सर दर्द, कमर दर्द कुछ मिनटों में ही छुमंतर कर दिए। दूसरी ओर गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर विभिन्न शाखाओं के परिजनों के द्वारा सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक गायत्री मंत्र का अखंड जाप का अनुष्ठान संपन्न हुआ। कल 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु प्रसाद पूजन दीक्षा एवं विभिन्न संस्कार 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न होगा। गायत्री शक्तिपीठ MP नगर जौनबन भोपाल। सर आज कैंप लगाया है, काफ़ी भीड़ आपके यहाँ देखी गई है, किस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा अपने यहाँ आ रहे हैं? हमें यहाँ पर सर घुटने के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जिसमें सिक्के और लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा मिल रही है। सर किस उम्र के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिले? ये 40 वर्ष से ऊपर के ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। सर कब तक चलेगा ये कैंप? ये कैंप श्रीमान जी अभी तो फिलहाल फर्स्ट कैंप है, आगे समिति डिसाइड करेगी क्या कैसा। सर आपसे अपने बाद में संपर्क करना चाहते, किस प्रकार आपसे काम लेकर आप संपर्क कर सकते हैं जी? कहाँ पे मिलना है जैसे? नेक्स्ट टूडे तो भोपाल ही रहेगा, जगह चेंज हो सकती है, लेकिन हमारी समिति इसके विषय में निर्णय लेगी, जैसा भी निर्णय लेगी पेशेंट को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सर किस प्रकार की दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं? आयुर्वेदिक चलाते हैं श्रीमान जी, प्राणवायु पद्धति से देखते हैं, जो वैदिक पद्धति है। सर एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार दुबे, DMS टू कटनी। सर आज गायत्री परिवार द्वारा कैंप लगाया गया, काफ़ी संख्या में यहाँ पे मरीज देखने को मिल रहा है, क्या ये कैंप निरंतर आगे भी चलेगा? अभी इसके बारे में हमारी समिति डिसाइड करेगी, क्योंकि पहली बार अभी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आए हैं, हम लोगों को भी देखना था कि भाई डॉक्टर साहब का प्रभाव कैसा पेशेंट पर पड़ता है, लेकिन आज हम लोगों को अच्छा लगा देख के, पेशेंटों की संख्या भी बहुत काफ़ी आई है। सर कितने दिन का कैंप रहेगा? आज शाम को 6 बजे तक है। सर परिचय दे दीजिए। मैं ओपी श्रीवास्तव, यहाँ अपने गायत्री परिवार के प्रबंध कार्य सदस्य कमेटी का। सर कैंप में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, यहाँ काफ़ी समस्या है लोगों में, तो जिस प्रकार भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है फ़ायदा है लोगों को? जी फायदा है, और इसका क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे गायत्री परिवार के कई अन्य शाखाओं में भी लगा रहे हैं, गंज बासा तो हमारे भाई साहब का जो है प्रति रविवार चल रहा है, और सोमवार के दिन विदिशा में है, कल जैसे बालाघाट में है, और शुक्रवार के दिन ये साई मंदिर जो है रीवा में भी लगाते हैं, छत्तीसगढ़ के बालोद में इनका कैंप चल रहा है। प्रभाव इनका काफ़ी अच्छा है, और अभी तक जो हम लोगों ने जो परिणाम देखे सुबह से जो देख रहे हैं, व्यक्ति कराता हुआ आता है तुरंत मुस्कुराता हुआ यहाँ से लौट रहा है, तो इसका हम लोग प्रयास ये करें कि प्रति मंगलवार ये यहाँ लगता रहे। सर दवाई की बात करें, जो दवाई अभी दे रहे हैं वो खत्म है, तो कहाँ से उपलब्ध हो पाई? ये तो अभी डॉक्टर साहब चूँकि इनका अपना फार्मूला है, आयुर्वेद के फार्मूले से ये दवाइयों को तैयार करके उपलब्ध करके वो स्वयं करा रहे हैं। या यहाँ पे भी दवाई उपलब्ध हो जाएगी पेशेंटों को? नहीं, वो तो डॉक्टर साहब स्वयं साथ में लेकर के आते, तो वो जब आएंगे तो अपने साथ में लेकर के आएंगे, अलग से बिक्री के लिए नहीं रहेगी। सर परिचय। मैं प्रभाकांत तिवारी, सहायक जोन समन्वयक मध्य प्रदेश।